All right, so man versus job, History TV 18, और मेरा इस बार का जो जॉब है, that's to learn from my mentor, that's Mr. Rod, how to be a stuntman and how to be a good stuntman. Mr. Rod, how are you? I'm good, sir. आप good, sir. आप मैंने अभी अभी मिस्टर हमारे मेरे सर से पूछा कि सर आप इंटरव्यूज देते, सर ने बोले कि मैं इंटरव्यू ज़्यादा नहीं देता. Why, sir? Why, sir? इतनी सारी फिल्में आपने की है. हाँ, such a nice man he is. Why will you not give interviews? Let's count how many recent. I don't give interview, but I give does that on the same thing on the screen, so people say by its own them. So जितने भी हैं, लोग खुद ही लिख लेते हैं, लोग खुद ही लिख देते हैं, काम अच्छा है, और हम लोगों को काम दिखता भी है. So आप you see all Rohit Shetty, Rohit sir's films, you see recently आपकी last was Rocky Handsome, yeah. और मतलब मैं list शुरू नहीं करता, but all those films जहाँ पर आपको heroes look like heroes is because of him. So thank you so much, sir. अरे welcome. Thank you. And yes. Pleasure. बॉलीवुड में से कई सारे लोग हैं जो अपने स्टंट्स खुद करते हैं. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज अक्षय सर डज हिज स्टंट्स खुद ही साथ में करते हैं. अजय सर एक टाइम पे अपने स्टंट्स बहुत किया करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं. अक्षय सर, अजय सर, शाह सर, शाहरुख खान जो सबसे अच्छा करते हैं. रियली आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन डूइंग इट. क्या बात है, शाह सर भी अच्छे करते हैं, अजय सर तो मैंने उनको देख के भी बहुत कुछ सीखा हुआ है, उनका स्टाइल, उनका ये. साथी अगर मुझसे कोई इंस्पायर आज की जनरेशन में, we have our very own Tiger. He does. Yeah, Tiger is too good. विद्युत विद्युत अच्छे करता है. So many, there are so many people who do this. And people are, अभी एक अच्छी बात है कि लोग सीखना चाहते हैं, एक्शन में इंटरेस्ट दे रहे. पहले की कैसे थे कि कर लेंगे, अभी कैसा है कर लेंगे नहीं करना है, वो फर्क आ चुका है. अभी तो मैट्स ग्राउंड पे भी होता है, पहले मैट्स होता नहीं था, तो लोग सोचते थे. मुझे लगने की बात मेडिकल भी बहुत स्पीड अप हो गया, जैसे कि आज जॉन को आप देख लो, डेढ़ दो महीने में फिट हो गया उसका नी इंजरी के बाद. पहले अभी रिसेंटली हुआ था. हाँ, उसका जो भी रिसेंटली नी इंजरी हुआ था, डेढ़ महीने में शूटिंग करने लग गया था. पहले अगर एक बार नी इंजरी होता तो 6 महीने तो घर पे ही रह जाते थे लोग. एग्रीमेंट में हमको तो, हम तो स्टंटमैन, तो हमको तो एग्रीमेंट में क्या करना है. एक्टर्स का तो, एक्टर्स को करता है तो एग्रीमेंट में लिखाने होता है. ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट में लिखते हैं, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. एग्रीमेंट में लिखना जरूरी नहीं, एक्टर को सब कुछ करना है, करना ही जरूरी है. आई मीन इट्स आवर जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब. मतलब अब आप कितना ही, आप जितने भी स्टंट्स, एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे स्टंट्स ये करते हैं और हमारा सिर्फ चेहरा आ जाता है एंड में कि वाह ये हमने, हम दिस इज व्हाट वी हैव डन. बट नाउ टाइम इज चेंजिंग, जिस तरह से कहा कि नाउ एक्शन इज गिवन द इंपॉर्टेंस, जो पहले इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी एक्शन, तो अब वो एक्शन सीख कर सेट पर आना एक्टर के लिए बहुत जरूरी हो गया. अगर आज मुझे, मैं सेट पर जाऊंगा और मुझे एक्शन नहीं आता, तो मेरे जो गुरुजी उस वक्त, उस दिन के मेरे डायरेक्टर होंगे रॉड सर, अगर ही इज माय एक्शन डायरेक्टर, सो ही कैन टेक माय केस. वो मेरे को मना भी कर सकते हैं कि मैं शूट नहीं करूंगा तेरे साथ, इस बगैर को नहीं आया. और फिर क्या सोचते हैं कि लोग, अगर एक्शन डायरेक्टर फिर सोच लेता है, एक्शन डायरेक्टर का एक खासियत होता है, जो भी एक्शन डायरेक्टर हो, मैं हो या कोई भी, वो आदमी का बॉडी लैंग्वेज पे समझ जाता है कि ये बंदा कितना कर पाएगा. करेक्ट, तो उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है एक्शन. अभी तक तो हमने तो आज शुरुआत ही की है टेक्निकली. यार इतना डेंजरस स्टंट तो मैंने वैसे तो शोज़ में कई सारे किए हैं. इफ़ यू गो टू सी, ऐसे 2-3 शोज़ में जिसमें स्टंट्स में डांसिंग इन्वॉल्व था, आई कैन डू दैट, जब मैं कर रहा था ZTV पे. वो भी टफ चीज़ है, स्टंट और डांस दोनों मोमेंट करना. हाँ, इट्स वेरी प्रेजेंट ऑफ माइंड. वो मैंने बहुत किया. हाँ, सिर्फ स्टंट अलग से नहीं किया, बट ऐसा 2-3 बार हुआ जब मैं ट्रपीज़ कर रहा, मैंने ट्रपीज़ किया था अभी बीच में एक अपने शो के लिए, और वो शो में जब मैं ट्रपीज़ कर रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, इज बिकॉज मेरे पास एक, हालांकि सिंगल हार्नेस था, बट फिर भी आप वो हाइट पे है और वो कांस्टेंट स्विंग हो रहा है, तो उस वक्त मुझे वो डर लगा था. बस मिलना चाहिए, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. मतलब हम एज अ एक्टर भी, इसके पहले मुझे हमेशा से पता था कि हमारे जितने भी अच्छे सीन्स हैं, उनको दिखाने में, यू नो एक्शन डायरेक्टर, स्टंटमैन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको जो ड्यू रिकग्निशन है, जैसे मैं आज अभी हमारे जितने भी जो को फेलो स्टंटमैन है सर के साथ जो है, उनके साथ बैठा और उनकी स्टोरीज सुन रहा हूँ मैं. सच इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड सच हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज. समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार दे डिजर्व द ड्यू क्रेडिट. कई बार मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार सेट पर आते हैं स्टंटमैन, दे डू द स्टंट एंड दे गो बैक होम, पैकअप के बाद कोई पूछता नहीं, बट दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. आई बिलीव दे शुड गिव, दे शुड, दे डिजर्व ड्यू रिस्पेक्ट एंड एज गुड, एज मच रिस्पेक्ट एज एन एक्टर गेट्स.
बिकॉज एक्टर एक्टर नहीं है अगर आपका स्टंटमैन आपके पीछे नहीं है तो. नहीं नहीं यू आर राइट. मैं सिर्फ सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं, जो मेरे फैन फॉलोअर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरा काम पसंद करते हैं, उनसे तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये चीज़ें देखकर अपने घर पे ना दोहराएं, क्योंकि मैं यहाँ पर सर की निगरानी में हूँ. मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी लग गई थी, बट मैं फिर भी सर की निगरानी में हूँ, तो मुझे पता है कि मैं आई एम इन सेफ हैंड्स. आप लोग प्लीज़ ये घर पर ना दोहराएं, सिंपल. एंड आई थिंक आजकल की हमारी ऑडियंसेज काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है. अभी पता चल गया है कि ऐसा नहीं होता है. Things are things come mobiles में आ चुके हैं softwares. Exactly. जो लोग देखते हैं तो people are aware of this. It's done in a safer. So everybody, please catch us on Man vs Job. Mr. Rod यहाँ पर है, मैं हूँ. The show starts on the 30th of June, Thursdays 10 p.m. on History TV 18. Please देखना मत भूलिए. सर आप भी देखिए. आप तो कर ही रहे सर. आप तो आपको तो देखना ही पड़ेगा. Definitely. Everybody else, please watch Man vs Job. Cheers.